एज ए पानी, एज ए बाथरूम या जो भी समस्या है बस इसके अंदर दो दिन में हो जाए। बापू से तुम लोग बोल सकते हो नहीं होता है, मैं हूँ, मैं भी फोर्स करूँगा, फिर से नहीं होता है तो मैं इसके लिए आगे बात करने को तैयार हूँ। टंकी का पानी 17 होना बहुत गंदा है उसमें, हो जाएगा आधी हो जाएगा। वो बात हुआ है टंकी का हो रहा है, वो आधी हो रहा है, आधी हो जाएगा। उसमें पानी गंदा बोल रहे हो, पानी कौन पिएगा सर? पहले मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन करना है पहले मेरी बात सुन लो। देखो मुझे कंपनी यहाँ इसलिए रखी है कि मैं यहाँ का सेफ्टी देख सकूँ। सेफ्टी का काम सिर्फ हेलमेट देखना नहीं होता है, सेफ्टी का काम होता है कि क्या हजार्ड है और हजार्ड की कंडीशन क्या है, कैसे हो सकती है, ये सब एनालाइज करके अपने टीम को बताना। एज ए जैसे बापू है, हमारे पीएम एम बने प्रोजेक्ट मैनेजर है, इन सबको एक रिपोर्ट देना कि हाँ ऐसे हो सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। तुम लोग हम हेलमेट के लिए बोलते हैं, तुम लोग हेलमेट नहीं पहनते हो। हेलमेट कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत दूर कर लो, कंस्ट्रक्शन साइड में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तो सिर्फ हेलमेट से होती है। तुमने ये देखा होगा कि किसी का पैर नहीं रहता है तो वो जीवित रहता है, लेकिन कभी ये देखा है कि किसी का सर ना हो वो जीवित हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाथ नहीं हो तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन सर अगर नहीं हो तो जीवित नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम लोगों का भाई कहना जायज़ है कि सूझ नहीं है, उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ और जैसा निदान हो मैं आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को मिले, लेकिन हेलमेट प्रॉपर पहनो। खासकर वर्क एट हाइट, जो लोग कॉलम पे चढ़ के काम कर रहे हैं वो दो चीज़ का बेहद जरूरी है, एक तो हेलमेट है। जो वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं वो चैन स्ट्रिप लगाना ना भूले, क्योंकि वर्क एट हाइट पे चढ़ने के बाद हम लोग का जो सर होता है ऐसे ऐसे रहता है, हमेशा काम करने के समय हम ऐसे पहन के काम करेंगे गिरने की संभावना बनी रहेगी। चढ़ने के पहले हमेशा याद रहे कि लगा के और टाइट करने की, यहाँ से टाइट करने की, चैन स्ट्रिप लगाना नहीं भूलना। दूसरी चीज, कल मैंने देखा, कल एक लड़के को बोला वॉल प्लेट लगा के काम कर रहा था। वर्क एट हाइट पे अगर लगाना है तो या तो फिक्स जाली बनाओ जैसे स्कैफोल्डिंग के जैसे, नहीं तो स्टील का छड़िया लगाओ मोटा वाला जो रुक सके। वॉल प्लेट, किसी भी तरह का लकड़ी, गत्ता, ये सब कुछ यूज नहीं करना है वर्क एट हाइट पे। दूसरी चीज, जो भी काम कर रहे हो कंसंट्रेट माइंड से करो। जैसे मुझे छड़िया उठाना है तो दिमाग में ये नहीं रहे कि घर क्या हो रहा है, छड़िया पे ही दिमाग रहना चाहिए। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग भी 1600 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हो पैसा कमाने के लिए। यदि तुम स्वस्थ और स्वच्छ रहोगे तो तुम्हारा पैसा बचेगा, अन्यथा तुम्हारी एक एक्सीडेंट जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे ख़त्म करने में काफ़ी होगा। पैसा कमाने आए हो, बच्चे को, परिवार को कुछ देने के लिए आए हो, तो अपने बारे में ज़रूर सोचो। यदि तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हारे मतलब तुम्हें कोई हजार्ड नहीं होगी, कोई इंजरी नहीं होगी, तो तुम अपने परिवार को कुछ दे सकते हो। ऐसे मानो कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मुझे चोट लग गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो कहीं ना कहीं जो 4-5 हज़ार रुपये लगेगी वो मेरा अपना ही लगेगा, फिर मैं घर को क्या दूंगा? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। और जिन लोगों को, कुछ लोग ये बताते हैं कि मुझे हेलमेट पहनने में दिक्कत हो रही है या सर दर्द कर रहा है या जो भी समस्याएं हो रही है, वो खुल के बोले, वो हो सके तो अपना नाम लिख के दें, मैं बिरल साहब से बोलूँगा कि इनका क्या उपाय हो सकता है। उनका जो उपाय होगा वो आएंगे तुम लोगों के सामने भी, जैसे आज बापू हैं उनको भी एक दिन बुलाऊँगा, और जो भी तुम लोग का हेलमेट पहनने का इशू है वो अपने बोल देना। अगर बापू कहेंगे कि हाँ इसको काम करने दो तो मैं कभी उसको नहीं बोलूंगा हेलमेट पहनने का, बापू बोलेंगे नहीं ये काम नहीं करेगा। बाकी और सब ठीक? समस्या सुन लीजिए। हाँ बोलो। हम लोग को पहले कचरे की डब्बा चाहिए, कचरे का डब्बा दिया गया है, 6 डब्बा दिया गया था, वही पूछ रहे हैं कचरे का डब्बा दिया गया है तो साफ नहीं है ना, एक डब्बा वो छोटा वाला है ना, बोल छोटा वाला।
पानी कटा बोलो, पानी खराब होता है। पानी कटा बोलो, नहीं तुम लोग डालते कहाँ हो कचरा? यही यही काम खराब है। पॉलिथीन रखो, पॉलिथीन रखो, पॉलिथीन में रखो। कचरा पानी बढ़िया रखो। ये डब्बा वो तो ऐसे ऐसे रखा गया, आगे लेकर चला गया। तुम ऐसा करो, एक पिपड़ा ले लो, वो 200 लीटर का पिपड़ा पड़ा है ना, सबके बीच में एक रख दो, बीच में रखो, वो तो हो सकता है। लेकिन वो कोई गायब नहीं करेगा, ले लो किसी को। छह डब्बा तो गायब हो गया, वो कोई गायब मत करना। प्रॉपर मिला वो पिपड़ा आज ही ले लो, मेरे पास चार पिपड़े पड़े हैं, एक पिपड़ा कचरा के लिए ले लो। और ये मोटर का स्विच तो बाहर कीजिए या तो फिर ताला, वो ताला मतलब भाई ये मोटर का स्विच वो हो जाएगा, ये दो दिन का ही प्रॉब्लम है, वो का यहां भी हो जाएगी। टैंक टैंक लगेगा, आज कल पेशर पंप लग जाएगा ना तो उसका। ये पानी खराब आता है, पानी अच्छा मांगता है। ऐसा रहेगा कि पानी कम होगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, तुम्हें चालू करने की जरूरत नहीं है। और पानी जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप बंद भी हो जाएगा। ऐसा व्यवस्था यहाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऑटोमेटिक सीट ले लिया है। पानी जैसे तो पानी इला खराब पानी अच्छा पानी पानी खाने का पानी अच्छा नहीं मिलता है ना सर, दो दिन का पानी अच्छा नहीं मिलता है। हम लोग आदमी नहीं हो क्या? उसमें पाइप होता है, पानी होता क्या? नहीं नहीं, उसमें पाइप और डब्बा ये सब मत घुसाया करो। फिर क्या उसका उन लोग पानी भरेगा, पाइप घुसा के हम लोग के आदमी नहीं हो? नहीं नहीं ठीक है, मैं देखो वो प्रॉपर काम नहीं है। हाथ से मुझे लगाओ देते यार, उसमें दिया है खोलने के लिए, उससे पानी लो, हाथ डाल के पानी नहीं लेना है। कोई भी हुआ है मेरा डिपार्ट वाला हुआ है, तुम हो अंदर हाथ मत डालो ऐसे। चलो ठीक है, चलो ताली मारो, ताली मारो। बाप रे बाप रे, ताली तो कम जा रही है।